महंगाई कम करो कम करो कम करो। हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम दलों ने कमर कस ली है। अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा सड़क पर अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार तमाम बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने में भी कोई देरी नहीं की जा रही है। तमाम जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी का मुद्दा या फिर कोई और। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांगड़ा में हुए विरोध प्रदर्शन में उपाध्यक्ष रमा गुलेरिया, कांगड़ा जिला इंचार्ज संजय भारद्वाज और प्रवक्ता मनीषा शामिल हुई तो हमीरपुर में गांधी चौक में जिला जॉइंट सेक्रेटरी महिला विंग रजनी बाला, महिला विंग अध्यक्ष विमला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कांगड़ा में विरोध प्रदर्शन करते हुए कचहरी चौक से मंदिर रोड, बाजार और कॉलेज रोड में विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमीरपुर के गांधी चौक में जिला जॉइंट सेक्रेटरी महिला विंग रजनी बाला, महिला विंग अध्यक्ष विमला राठौर के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। आप प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। ये महंगाई कहां से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहां से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। पहले लड़े थे कांग्रेस से, अब लड़ेंगे चोरों। देखिए नमस्कार, आज आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है यहाँ महंगाई के खिलाफ में, शिमला में, हमीरपुर में, कांगड़ा में और मंडी में। ये हमारा लोकसभा भाई आज एक सांकेतिक धरना है कि जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लाद रही है, ये महंगाई को इन्होंने चरम पर पहुँचा दिया है। अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर आज तक किसी ने इस तरीके की टैक्स नहीं वसूले थे जिस तरीके से भाजपा वसूल रही है। खाने की दही पे, मक्खन पे, पनीर पे, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, आटा चावल पे टैक्स लगा दिया। तो ये कौन सी सरकार है? मैं आपके माध्यम से इस तानाशाही सरकार से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये सत्ता का जो सुख है ये परमानेंट नहीं है। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए आप होश में आ जाएं, और अगर आप जल्दी से होश में नहीं आए तो इस बार 2022 के इलेक्शन में ये जनता आपको ज़रूर जवाब देगी। आम आदमी के दिल की एक भावना है, एक उनके दिल की पुकार है कि महंगाई से जिस तरह से आपने देश को बर्बाद करने का काम किया है, कि मोदी साहब थोड़े दिन के लिए प्लीज आप केदारनाथ चले जाइएगा और वहां जाके सोचिएगा कि क्या मैं आम जन के लिए मेरे उनका जीना कितना मुश्किल कर दिया है। दोस्तों और साथियों, आप हैरान होंगे कि जो मोदी सरकार और उसके जो मंत्री हैं समृद्धि ईरानी, उस टाइम वो जब 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था तो वो प्रधानमंत्री को, तात्कालिक प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने की बात करती है। मैं कहता हूँ कि बहन समृद्धि ईरानी जी, माननीय मंत्री जी, मोदी साहब को चूड़ियां कब जैसे ले देंगे? दशा आपको दिखाए तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हम जैसी गृहणियों के लिए, हम जैसी महिलाओं के लिए, हम सभी बहनों के लिए अपना चूल्हा चौका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में पहले हम बहुत महंगाई से गुजर रहे थे, आज की डेट में हमारे खाने वाले आटे पे, दूध पे, पनीर पे हम बच्चों को क्या खिलाएं, हमें रोना आता है कि आज इस एक तो हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज की डेट में सब चीज पे टैक्स लग चुका है। आज आम आदमी पार्टी की कांगड़ा से महंगाई के ऊपर एक रैली निकाली गई, लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं। लोग बहुत नाराज़ हैं प्रदेश के, देश के, कि इन भाजपा सरकार ने दूध दही जो एक रोज़मर्रा की जो खाद्य वस्तु थी उन पर इन्होंने GST लगा दिया है, और वो जो है लोग जो हैं वो खाने लायक, अपना जो खाना जो घर का रोज का खाना है वो खाने लायक नहीं छोड़ा है उनको। हमारा ये कहना है कि ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने जो GST बढ़ाई है, ये अब आप जनता से चाहते क्या हैं? ये लोग, इन लोगों ने पहले पेट्रोल को 1 साल के अंदर डीजल को 76 बार और पेट्रोल को 78 बार उसको बढ़ा दिया, उसका दाम बढ़ा दिया, और उसका कारण बताते हैं महंगाई का के पेट्रोल को।
तो उसका कंट्रोल किसने करना है? अगर आप सत्ता में हैं तो ये काम देखना आपका काम है। नमस्कार, मैं मनीषा बोल रही हूँ, प्रदेश प्रवक्ता। आज हमने रैली निकाली है, विरोध प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ। भाजपा सरकार ने जो इतनी महंगाई कर दी है उसके खिलाफ सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस में ये बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हमने रैली स्टार्ट की आज कांगड़ा के कचहरी चौक से मंदिर मार्केट होते हुए, और हम कॉलेज रोड से होते हुए हमने ये पूरी रैली निकाली है, और वहाँ से हम लोग वापस आके फिर से बाहर मार्केट की तरफ से हम यहाँ दोबारा कचहरी चौक तक आए हैं। तो ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है ये महंगाई के खिलाफ है, जो जन विरोधी फैसले हैं भाजपा के, जो आज एक गरीब की थाली पे उन्होंने अटैक किया है। मतलब आपको और कुछ नहीं बचा, दूध दही और आटा चावल पे आपको GST लगाने के लिए बचा है। कोरोना से पहले ही इतने जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, आपको इस टाइम पे राहत देनी चाहिए। और भाजपा सरकार क्या कर रही है, जनता को और राहत कर रही है और महंगाई जो है इतनी बढ़ा रही है। तेल के आप दाम देख लीजिए, सिलेंडर का आप दाम देखिए, 1100 पहुंच चुका है। तो आम जो इंसान है वो अपना गुजारा कैसे करेगा, ये भाजपा सरकार हमें बताए। और ये GST लागू करने की जरूरत नहीं है, अपनी नीतियों पे कंट्रोल करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और पैसे बचाएं।